महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के हरसिद्धि दरवाजा के पास स्थित प्रयागेश्वर महादेव 84 महादेवों में 71वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में हस्तिनापुर में शांतनु नाम के राजा थे। एक बार वे शिकार खेलते खेलते एक गहन वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सुंदरी को देखा। राजा ने उससे कहा कि तुम मेरी भारिया हो जाओ। वह मनुष्य के रूप में गंगा थी। उसने राजा के सामने शर्त रखी कि यदि वह किसी स्थिति में राजा को त्याग दे तो वह उससे कुछ भी नहीं पूछेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। तब दोनों ने विवाह कर लिया। इसके पश्चात उनके 8 पुत्र हुए। उन्हें गंगा ने नदी में एक एक कर प्रवाहित कर दिया। 8वें पुत्र को जब जल में प्रवाहित करने का अवसर आया तो राजा ने उस पुत्र हत्या से मना कर दिया। तब गंगा ने बताया, ये 8 महाकर्मी वसु हैं। वशिष्ठ मुनि के शाप से ये मनुष्य योनि को प्राप्त हुए हैं। मैंने इनकी हत्या कर महान पाप किया है, ऐसा कह वह रोने लगी। उसी समय वहां नारद मुनि उपस्थित हुए। उन्होंने गंगा को आकाश में स्थित होकर ही पूछा कि हे गंगे, तुम्हें शिवजी के मस्तक पर धारण किया है, तुम क्यों रो रही हो? गंगा ने उत्तर दिया, मैं समुद्र की पत्नी हूं, उसे छोड़कर मैं मनुष्य की पत्नी बनी। मैंने 8 पुत्र मार डाले, यह पाप दूर कैसे होगा? नारद जी ने कहा, तुमने देवताओं को वचन दिया था, इसलिए तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न हुई। तुम्हारा पति समुद्र राजा शांतनु हुआ। अब तुम अवंती नगरी में जाओ, वहां तुम्हारी सखी शिप्रा है। उसके तट पर दुर्देश्वर के दक्षिण में एक देव वंदित लिंग है, उसके दर्शन मात्र से तुम कृत कृत्य हो जाओगी। तब गंगा शिप्रा तट पर गई। उसने शिप्रा का लिंगन किया और उस लिंग के दर्शन किए। वहां सूर्य की पुत्री यमुना भी आ गई। वहां गुप्त रूप से प्राची सरस्वती भी आ गई। तब नारद जी ने इंद्र से कहा, यहाँ प्रयाग दिखाई नहीं दे रहा है, वह तो महाकाल वन में चला गया है। तब सब देवताओं के साथ इंद्र वहां आए। उन्होंने गंगा यमुना और शिप्रा की स्तुति की। यहाँ शिप्रा के रूप में सरस्वती ही विद्यमान है। यहाँ प्रयाग उपस्थित हो गया। यह लिंग भी प्रयागेश्वर कहलाया। इस लिंग के दर्शन से कई अन्य तीर्थों का पुण्य मिलता है। अष्टमी और चौदस को जो इस लिंग का दर्शन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।